हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदू शिक्षा। आज हम देखेंगे कि फंक्शंस में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको एक कोड के थ्रू बताता हूँ कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना रखा है इंटरेस्ट नाम से, जो तीन चीज़ें लेगा, प्रिंसिपल, टाइम और रेट, और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भेज देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेरा तीसरा आर्गुमेंट है, जो तीसरा पैरामीटर है रेट, उसको मैंने 0.10 के इक्वल कर रखा है। तो ये मेरा जो रेट है, ये एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फंक्शन कॉल के टाइम रेट नहीं पास करता हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रेट की 0.10 ले लेगा। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट कराता हूँ इंटरेस्ट, और इसमें मैं अगर जैसे मैंने प्रिंसिपल यहाँ पे पास कर दिया 5400 और 2। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने रेट नहीं पास किया है, मैंने सिर्फ दो ही आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, पहला आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल और दूसरा टाइम। यहाँ पे मैंने रेट पास नहीं किया है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे इसने रेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.10 लेके इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें रिटर्न कर दिया। तो इस तरह आप अपने प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी प्रोग्राम में आपका फंक्शन जो है, अगर आपका यूज़र कोई वैल्यू पास नहीं करता है, तो आप वहाँ पे अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू ना आए यहाँ पे पास होके, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये ले। अब यहाँ पर अगर मैं पास करता हूँ, अगर जैसे यहाँ पर मैं 0.20 पास करता हूँ, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह जो मैं जो वैल्यू पास कर रहा हूँ 0.20, उसे लेके यहाँ पे कैलकुलेट करके आंसर प्रिंट कर देगा। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि कोई भी पैरामीटर को आपको डिफ़ॉल्ट बनाने से पहले ये देखना होगा कि उसके राइट में कोई भी ऐसा पैरामीटर ना हो जो कि डिफ़ॉल्ट ना हो। मतलब कि आपका जो कोई भी पैरामीटर, आप उसे तभी डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं जब उसके राइट के सारे पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट हो। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ऐसा करना चाहूँ, टाइम इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो इसके बाद वाला पैरामीटर है रेट, वो डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए एरर आ गया, ये सही नहीं है। अगर मुझे ऐसा करना है, तो मुझे रेट को भी डिफ़ॉल्ट बनाना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे अगर यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है, तो अब ये ठीक काम कर रहा है। तो यहाँ पे टाइम और रेट हमारा दोनों डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो आज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझाया, वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।